उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग द्वारा शुक्रवार को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश में मत्स्य विकास एवं तकनीकी परामर्श पर राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन मत्स्य चेतना केंद्र मत्स्य निदेशालय लखनऊ से किया गया, जिसका सीधा प्रसारण एनेक्सी भवन के सभागार में किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने मत्स्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की 5 वर्षीय कार्य योजना में मत्स्य उत्पादन स्तर को 12 लाख मैट्रिक टन तक ले जाने के लक्ष्य हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत लाभार्थियों का पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन, DBT के माध्यम से सब्सिडी अंतरण एवं विभागीय आंकड़ों सूचनाओं की MIS फीडिंग आदि कार्यक्रम विभागीय पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में सघन मत्स्य पालन के लिए नई तकनीकों जैसे रिसर्कुलेटली एक्वाल्चर सिस्टम, एकीकृत मत्स्य पालन, बायोफ्लाक आदि को अपनाने हेतु मत्स्य उद्यमियों को प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में बायोफ्लाक, RAS आदि कई नवाचार योजनाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर निषाद जी ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित करने हेतु पोर्टल आगामी 1 जुलाई से 15 जुलाई 2022 तक आम जनमानस के लिए खोला जाएगा और जरूरत पड़ने पर इस तिथि को आगे भी बढ़ाया जाएगा। जिसके संबंध में CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत गोष्ठी कराई गई है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया गया, जिसमें जितने भी मछली पालक हैं और जो किसान बंधु हैं वो मछली पालन में काम करना चाहते हैं, उनके लिए इस योजना के अंतर्गत 1 जुलाई से 15 जुलाई तक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई करके सरकार अनुदान का लाभ ले सकते हैं। इसमें हैचरी से लेकर आइस बाइक तक का प्राविधान है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मत्स्य विभाग के उप निदेशक ब्रजेश कुमार एवं CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, छोड़ सकते हैं तो हमको 6 से 8 तक का प्रोडक्शन मिल सकता है योजना में। तो ये भी एक बचकी है जो हम लोग इसको बड़े पैमाने में कलकत्ता और चेन्नई में लोग करते हैं और बहुत सारा सिस्टम है जो देता है उनको नॉर्मल लोगों से। तो इसके ऊपर भी बढ़ रहे हैं, कटला का बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है और उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूँ कि वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है सेप्टेम्बर के बाद। पानी में झींगा जो उत्पादन होता है एक तो खारा पानी में बना नहीं होता है और एक मीठा पानी में होता है। हमारे विकास अधिकारी महोदय
आ चुके हैं, आप जरा तालियों से इनका स्वागत करिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत जो हमारा पोर्टल खुलने वाला है 1 जुलाई से 15 जुलाई उसी के क्रम में रखा गया था, जिसमें आपको विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा और मिलेगा जो है, साथ ही मछुआ दुर्घटना बीमा के सी फार्म जो नहीं मिला है अभी हम उपलब्ध करा देंगे, वो भी दिया गया है। और सारे किसान भाइयों और मछुआरे भाइयों और मछली का व्यापार कर रहे हैं जहाँ उससे अपनी आजीविका कर रहे हैं, आप सुबह से बहुत गंभीरता से इस वेबिनार को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास है सरकार द्वारा। और मैं ज़्यादा ही कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि लंच का समय हो गया है, सबको भूख भी लगी होगी, तो मैं बस 2-3 मिनट लूँगा। मेरा यही अपील है आप लोगों से, ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ये ऑनलाइन है, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक इसका जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको भरने में किसी तरह की भी आपकी समस्या आती है तो विकास भवन में हम लोग बैठे हैं, विकास भवन में ही हमारा फिशरी डिपार्टमेंट का जो है ऑफिस भी है और वहाँ पर मैं भी बैठता हूँ, आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब कई तरह की समस्या आ सकती है कि तालाब के पट्टे नहीं हो रहे, जहाँ पट्टा हो गया उसका आपका कब्जा नहीं मिल रहा, जहाँ तालाब आपका गहरा नहीं हो पा रहा है, पूरा एकदम मिट्टी भर गई है, सिल्ट आ गई है उसमें, तो किस तरह से मनरेगा से उसको साफ कर सकते हैं, जहाँ आप कोई ऐसा तालाब लेना चाहते हैं समूह बना के, समूह के माध्यम से, क्योंकि मेरे कई समूह की बहनों ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें, समूह बना के तालाब लिए तो उसमें अच्छा उनका बिक्री भी हुआ है, तो उस तरह का कोई आपको हेल्प चाहिए तो विकास भवन हमेशा आप लोगों के लिए ओपन डोर पॉलिसी रखता है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। तो मेरा ये रहेगा आपसे कि आप इस 1 से 15 में जो अलग अलग तरह की योजनाएं हैं, बहुत लंबा चार्ट है, मैं सारे तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिसमें आप इसमें काम कर सकते हैं। देखिए सरकार ने हर तरह का मत्स्य पालन को लेके, अगर आप ये देखेंगे ये पेज है पूरे का पूरा, एक इतना लंबा चौड़ा पेज है, इसको आप देखिए, इसकी ऐप भी बना दी है, इसमें हर तरह का जिस तरह का आपको अनुदान मिलेगा 40% 60% अलग अलग कैटेगरी में दे रखे, जिसमें बीज हैचरी से लेके अगर आप बाइक पे शीप डिब्बा लगा के उसको बेचने का भी प्रबंधन करना चाहते हो, उस तक का पूरा आइस बॉक्स सहित मोटरसाइकिल तक का जो आपका आप अप्लाई कर सकते हो, हर चीज़ दे रखी है इसमें। कम से कम मैंने देखा है, देख रहा था बैठ के, कि जो आपके जो एंट्रीज है 20-25 तरह की योजनाएँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर भी 25 जो है आपके घटक, जो हर किसी को कोई ना कोई घटक में लाभ लेना चाहिए, आप अप्लाई करेंगे हम लोग इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए इसका जो है आगे प्रशिक्षण करते हैं। मेरा नाम जो है ब्रिजेश कुमार है, उप निदेशक मत्स्य गोरखपुर मंडल। आज जो है राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना संचालित हो रही है वित्तीय वर्ष 2021 से लेकर 24-25 तक, इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक पोर्टल खुलने वाला है, उसी के जागरूकता के लिए जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें हमने गोरखपुर जनपद के विभिन्न ब्लॉकों से किसानों को बुलाया है, उनको हम योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं, साथ ही लखनऊ से जो है सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें वैज्ञानिक उनको बताएंगे कि आप मछली पालन कैसे करें और योजना का आवेदन कैसे करें, उसमें जो है और जो हमारे मत्स्य निदेशक हैं वो भी अभी संबोधित करेंगे, जिसमें उनको बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अलावा और कौन सी स्कीम चल रही है, कौन सी योजनाएं हैं जिनको आप लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, इसमें जो है बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई किसानों के लिए जो मछली पालक हैं उनके लिए, 1,60,000 रुपये तक जो है बिना किसी गारंटी का आपको लोन दिया जा रहा है। आप जो है मत्स्य पालक हैं, मछली बेचते हैं, मछली पकड़ते हैं या कोई और व्यवसाय करते हैं मछली संबंधित, उन सब के लिए जो है इसमें KCC बनाने की सुविधा दी गई है। 2 लाख रुपये तक आपके KCC दी जाएगा, 1,60,000 तक जो है बिना किसी गारंटी के आप लोन ले सकते हैं। साथ ही दूसरी स्कीम है मछुआ दुर्घटना बीमा योजना। इस योजना में मत्स्य व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्ति जो मछली पालन करते हैं उससे जुड़े हुए हैं उनके लिए 5 लाख रुपये का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जो है यदि कोई दुर्घटना होती है और संयोग से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपया, यदि वह अपंग हो जाता है, अस्थायी अपंग हो जाता है, तो उसके लिए 2.5 लाख रुपया है, और यदि वह अस्पताल में भर्ती होता है उसके लिए 25,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो है हमारे यहाँ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चल रही है, इसमें भी जो है
आप जो अपने जो तालाब है उनका निर्माण करा सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में करीब 35 स्कीम है जिसका लाभ आप ले सकते हैं। सबसे बड़ी फायदे की बात यह है कि जो किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है, बहुत कम ज़मीन है, 200-400 वर्ग फीट ज़मीन है, वो भी अपने घर के पीछे वहाँ पे छोटा सा टैंक बना के मछली पालन कर सकते हैं। मंत्री जी ने कहा कि सभी किसान भाई जो उनको सुन रहे हैं वो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक जो है ये साइट खुल रही है, आप लोग आवेदन करिए। विभिन्न उप योजनाएँ जो चल रही हैं, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, आप लोग उससे जुड़िए, मत्स्य विभाग से जुड़िए और मत्स्य विभाग की योजनाओं का लाभ उठाइए। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय गोष्ठी कराई गई है, वेबिनार था बेसिकली, और लखनऊ से इसका टेलीकास्ट किया गया है। इसमें हमारे जितने भी मत्स्य पालक हैं और किसान बंधु हैं जो मत्स्य पालन में काम करना चाहते हैं, उनके लिए इस योजना के अंतर्गत 1 जुलाई से 15 जुलाई तक वेबसाइट ओपन हो रही है, जिसमें 25-30 घटक हैं जिसमें वो लोग ऑनलाइन अप्लाई करके सरकार के अनुदान का लाभ ले सकते हैं, जिसमें हैचरी से लेके आइस बाइक तक का प्रावधान है, 25 घटक है। तो बहुत ही लाभदायक योजना है, उसके प्रचार प्रसार, उसके लाभ, कैसे अप्लाई करना है, CSE सेंटर पे किस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर ये वेबिनार किया गया है और बहुत सफलतापूर्वक गोरखपुर में भी सारे मत्स्य पालकों के साथ इस वेबिनार को संपन्न कराया जा रहा है।